नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। का यह दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जो आश्विन मास की अमावस्या जिसे सर्वपित्री अमावस्या भी कहा जाता है उस दिन समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 20 सितंबर को आरंभ होकर 6 अक्टूबर को समाप्त होंगे। मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितरों भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके सर्वपित्री अमावस्या की रात्रि को पितृलोक चले जाते हैं। इसलिए यह 16 दिन पूर्व रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान श्राद्ध होपन कर्म किया जाता है। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। यह 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है, पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंच बलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिद है विपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन किया जाता है और ना ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाया जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कौन सी ऐसी चीज है जिनका पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज है जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों के या ब्राह्मणों के भोजन में भूलकर भी शामिल नहीं करना चाहिए, वरना दोस्त लगता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। काया हेलो दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बना है, वही भोजन का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाएं जो पितरों को प्रसन्न था, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यही हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को प्याज लहसुन पसंद होता है, तो जब वह भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों की पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है तो वह नॉनवेज लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूलकर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज लहसुन मीट और अंडे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में दो इन चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन श्राद्ध तर्पण पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी ही स्वीकार करते हैं, उसके पश्चात यह पितरों को मिलता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के पूजन में प्याज लहसुन मीट और अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में मीट अंडा प्याज लहसुन इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे और जो पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारी पितरों भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाएं या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए भी जो भोजन बनाएं वह बिना प्याज लहसुन और मीडिया का बनाए, ना ही पितरों के नाम का। ऐसा भोजन आप किसी जरूरत व्यक्ति को दान दे। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाए वह बिना प्याज लहसुन और मीडिया का होना चाहिए और ध्यान रखे पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज लहसुन और मीडिया का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। शराब का सेवन भी ना करें पितृपक्ष के दौरान, बासी भोजन ना करें पितृपक्ष के दौरान। ना तो बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार पर आए उसे भी आप बासी भोजन ना दे। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृदोष लगेगा। का यह इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो बासी भोजन आप स्वयं करें और ना ही किसी को दे। पितृपक्ष के दौरान चीनी का सेवन भी परिचित होता है, यहाँ तक कि चने के सत्तू भी नहीं खाए जाते। चने के बेसन का इस यह कर सकते हैं, बेसन से सब्जी बना सकते हैं, लेकिन काले चने और भुने चने का सेवन पितृपक्ष के दौरान ना करें। पितृपक्ष के दौरान चने के सत्तू के अलावा
और भी किसी भी प्रकार के सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल दाल या रोटी न बनाए। पितरों के लिए सदैव पका भोजन जैसे कि पूरी कचौरी पराठे इत्यादि बनाए जाते हैं। पितरों के भोजन में कई चीजें चावल दाल और रोटी नहीं बनाई जाती। आप स्वयं भोजन में चावल दाल रोटी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों का जो भोजन बनाए ब्राह्मणों को भोजन कराए उसमें चावल दाल और रोटी ना बनाए। पितरों का जो भोजन बनाया जाएगा उसमें आप मूंग और उड़द की दाल की कचौड़ी या बड़े वगैरह बना सकते हैं, लेकिन दाल ना बनाए। दाल में पितृपक्ष के दौरान आप मसूर की दाल का सेवन ना करें। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। और मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष में मूली लौकी खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डाले। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है, इसलिए इस दौरान दूधी या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाई बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। कि पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वह गाय जिसमें हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, ऐसी गाय के दूध का सेवन भूल कर भी ना करे। पितृपक्ष के दौरान आंखें अवश्य ही बनाई जाती है और फिर का पितरों को ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है, इसलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान कढ़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान कुल्थी की दाल का भी सेवन ना करें। हेलो दोस्तों, ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए जो भी भोजन बनाए उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष में जो पितरों का भोजन बनाए ब्राह्मणों को भोजन कराएं या पंचबली लगाएं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दे उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वह भोजन पितरों ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते हैं उसे भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, पितरों के भोजन में काले तिल डालकर है आप पितरों को भोग लगाए। काले तिल भूत पिशाचों से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। हेलो दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कभी किसी दूसरे व्यक्ति का अन्य भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के भोजन भी ना करें। किसी दूसरे व्यक्ति के घर जाकर ना तो भोजन करें और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के रुपयों का आप भोजन करें। पितृपक्ष में पितरों को समर्पित होते हैं, यह पितरों की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। इन दिनों में आप थोड़े से रया से ही अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक छोटी सी भी गलत ही पितृपक्ष के दौरान कर देंगे तो इससे आपके पितरों आपसे नाराज हो जाएंगे। इस प्रकार की दुष्ट आत्मा तथा नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं, इसलिए हमें पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे घर में पितृ शक्ति का वास हो। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पितरों की संतुष्टि के लिए सर्वोत्तम उपाय है दान करना, और दान में भी सर्वोत्तम होता है तिल का दान करना। जो भी मनुष्य पितृपक्ष में पितरों के लिए तिल का दान करता है उसके सभी पापों का एवं दुखों का नाश हो जाता है। इसके अलावा आप पितृपक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि के लिए वस्त्र आदि का दान अवश्य करें। यदि गाय का दान किया जाए तो कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु माना जाता है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता इनका पूजन करते हैं। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र निर्मल शांत निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इस संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देने चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था, उन्हें गौ माता बहुत अधिक प्रिय थी। श्री कृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में जब धर्म का लोग हो जाएगा तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को पाले। दूध के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और अधर्म उसके चरम पर होगा। कलयुग के अंत का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से गाय समाप्त हो जाएंगी तब कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में भी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री
रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेंगे उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी ना किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। गाँव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं, इसीलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें, इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषिमुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराजा गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गौ माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीजें खिलाने से कौन सा फल मिलता है तथा गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है आदि के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी अत्यंत पूजनीय गौ माता के बारे में आप सभी को यह बातें अवश्य जान लेनी चाहिए, इससे आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ चीजें खिला देती हैं जिससे मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए, इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहली बात है दोस्तों, गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। सज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि पितृ दोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की साढ़े साती या महादशा है तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें, इससे शनि दोष कम होता है। इगोमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गोमूत्र का महत्व है ही साथ वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गोमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गोमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गोमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है, इसलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गोमूत्र का सेवन करने तथा घर में गोमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें, इससे बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है, ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न निर्माण हो रहे हैं तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए, इससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र से बनने वाले नक को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पाप नाशक कहा जाता है और हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं
अत्यंत उपयोगी होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही और साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर है। दोस्तों, अगर आपके द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाई जाने मत देना, नहीं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाए उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा झूठ खिला देते हैं, इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। आप किसी अन्य पशु को खिला सकते हैं, लेकिन गाय को कभी झूठ नहीं खिलानी चाहिए। भूख लगने के कारण गौ माता उस अन्न को ग्रहण तो कर लेती है, लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को ऐसा वासी भोजन खिलाता है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसलिए गायकों के भजन में कभी मानस आदि चीजें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है, तो आप यह एक उपाय जरूर करें। आप रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला दें। यदि शनि दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दें, इससे शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए, इससे दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुब्ब होता है, उस कुब्बड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब भी आपके द्वार पर गौ माता पधारे, आप इस संगीत कुबड़े, इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चटाता है तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी गौ माता की सेवा जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें।